नमस्कार, जय शर्म। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः आप सभी के बीच अपने चैनल के माध्यम से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि कब है, कब रखना चाहिए प्रदोष तिथि का व्रत, व इस बार किस दिन का प्रदोष तिथि है और उसका क्या कुछ विशेष महत्व है, और प्रदोष के व्रत में किन किन नियमों का विशेष रूप से हमें पालन करना चाहिए, और किस शुभ वेला में भगवान शिव और माँ गौरी का पूजन करना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करवत निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में प्रदोष तिथि का व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव की अनुकंपा के लिए रखना विशेष लाभकारी फलदायी है। और कलयुग का सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्रत भी प्रदोष का व्रत माना गया है। जो व्यक्ति इस कलिकाल में भगवान शिव की उपासना करता है वह प्रदोष तिथि या त्रयोदशी तिथि का विधि पूर्वक व्रत रखे शुभ मुहूर्त में, शुभ वेला में भगवान शिव और माँ पार्वती का पूरे शिव परिवार के साथ पूजन अर्चन करता है तो निसंदेह उस व्यक्ति का जो जीवन काल है, गृहस्थ जीवन है, वह सभी सुख सुविधाओं के पूर्ति के द्वारा निर्विघ्नता पूर्वक संपादित होता रहे। विशेषतः प्रदोष का जो व्रत है यह व्रत उत्तम शिक्षा, उत्तम संतान व उत्तम गृहस्थ जीवन का सुख देने में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप किसी भी प्रकार के जटिल से जटिल समस्याओं से ग्रसित हैं तो विधि पूर्वक 5, 7, 9 या 11 प्रदोष का व्रत संकल्प पूर्वक करके आप बड़े से बड़े जटिल समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में इस वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष तिथि है वह 28 अप्रैल दिन गुरुवार को उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में 28 अप्रैल को लगने वाली गुरु प्रदोष व्रत का प्रारंभिक और समाप्ति का जो समय है वो जान लीजिए। गुरुवार के दिन 28 तारीख को प्रदोष, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वह 28 अप्रैल को 12:33 सुबह के 12 ब्रह्म मुहूर्त के मध्य रात्रि के 12:23 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 29 अप्रैल को 12:26 तक रहेगी, यानी मध्य रात्रि से 29 को मध्य रात्रि तक रहेगी। उदया तिथि के मान्यता के कारण प्रदोष व्रत जो है 28 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना, भगवान शिव की पूजन अर्चना करना विशेष फलदायी होता है। अब हम बात करेंगे उस 28 अप्रैल को जो गोधली समय, प्रदोष का जो समय है वह क्या है, विशेष जो मुहूर्त बताया गया है, विशेष जो वेला बताया गया है भगवान शिव और माँ गौरी का अर्चन करने का वह क्या है। तो 28 अप्रैल को शाम 6:54 से लेकर के रात्रि 9:04 का जो वेला है यह प्रदोष पूजन के लिए सबसे शुभ और प्रशस्त है। इस मुहूर्त में जो लोग व्रत पूर्वक पूजन करते हैं, भगवान शिव की पूजन अर्चन के साथ विधि पूर्वक उनकी भक्ति भाव से पूजन करते हैं, वह निसंदेह इस अवधि में भगवान शिव की पूजन करके बड़े से बड़े मनोकामनाओं पे विजय की प्राप्ति कर पाएंगे।
ऐसे में आपको चाहिए कि अगर आप प्रदोष का व्रत है, गुरु प्रदोष का व्रत है रख रहे हैं, तो इस अवधि में आपको सायं 6:54 से लेके रात्रि 9:04 के बीच भगवान शिव का अधिक से अधिक भाव विभोर होके उनके इस स्तुति का, उनके नाम मात्रों का जप तप व पूजन करें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपके बड़े से बड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, इस प्रदोष तिथि वाले दिन यानी कि 28 अप्रैल को कुछ विशेष योग भी बन रहा है, तो हम जानेंगे कि वह कौन सा विशेष योग है। तो ध्यान दें, 28 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि सभी कामनाओं के लिए, सभी विशेष पूजन के मुहूर्त में, विशेषतः अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष महत्व बताया गया हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो ऐसे में 28 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है, तो हम जानेंगे कि गुरु प्रदोष व्रत वाले दिन यह सर्वार्थ सिद्धि योग कब लग रहा है। तो शाम के समय में ही सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, यह आपको सफलता प्रदान करने वाला और कार्यों को सिद्ध के लिए सबसे शुभ और प्रशस्त माना गया है। यह सर्वार्थ सिद्धि योग जो है 28 अप्रैल दिन गुरुवार को सायं 5:40 से लेकर अगले दिन 29 अप्रैल को सुबह 5:42 तक रहेगा। तो ऐसे में जो हमारा गोधली समय है, प्रदोष व्रत का पूजन का समय है, उस समय यह सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो उस वेला में हमारा किया हुआ पूजन, जप तप, अभिषेक आदि विशेष रूप से फलीभूत होगा। तो ऐसे में इस गुरु प्रदोष का जो व्यक्ति व्रत करेगा, वह निसंदेह अपने मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने में शीघ्र ही सक्षम होगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस गुरु प्रदोष का व्रत जो है, आप बड़े से बड़े मनोकामनाओं को लेके, मन में संकल्प लेके आप अवश्य करें। निश्चय ही हमारे भगवान शिव के कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दूसरा, अब हम बात करेंगे भगवान शिव की पूजन करने का विधि क्या होना चाहिए। तो ध्यान दें, सुबह सूर्योदय से पूर्व बिस्तर को त्याग दें और भाव पूर्वक भूमि को प्रणाम करके, अपने करों का दर्शन करके, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, उनको नमन करके और मन ही मन भगवान शिव को स्मरण करके यह संकल्प ले कि हे प्रभु, आज हम आपकी भक्ति अर्चन विशेष रूप से करना चाहते हैं, इसलिए आज हम इस तिथि का, प्रदोष तिथि का उपवास करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, और आपकी कृपा के द्वारा हमारा आज का यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक संपादित हो सके। ऐसा स्वच्छ सुंदर भाव रख के, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के निकट के शिव मंदिर में जाएं, या घर में अगर आप शिव परिवार रखे हैं तो उनको विधि पूर्वक पूजन करें। वह विधि क्या है, तो ध्यान दें, सबसे पहले भगवान को नतमस्तक होके उन्हें प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा मैं भक्ति भाव पूर्वक आपकी पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ, इस पूजन अर्चन को आप स्वीकार करें। अगर इसमें किसी प्रकार का हमसे त्रुटि हो सके तो उसके लिए हम पूर्व में ही आपसे क्षमा याचना मांगते हैं। तो ऐसा भाव रख के भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ शिव परिवार का सुमिरन करें, उनका ध्यान करें, उनके मंगल स्तोत्रों का, श्लोकों का जो है ध्यान करते हुए भगवान शिव परिवार को जल से स्नान कराएं, तत्पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं, दूध दही शहद घी शक्कर का जो मिश्रण हम बनाते हैं पंचामृत का, इस पंचामृत से भगवान शिव परिवार को स्नान कराना चाहिए। इसके पश्चात पुनः जल से स्नान करा के भगवान को कलावे का वस्त्र अर्पण करना चाहिए, फिर उन्हें गंध अक्षत पुष्प रोली हल्दी अक्षत और पुष्प के द्वारा भगवान शिव की पूजन अर्चन करना चाहिए, फिर धूप दीप दिखा करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, जो कुछ आपसे हो सके भगवान को भावपूर्वक नैवेद्य अर्पण करें।
तत्पश्चात भगवान को तांबूल अर्पण करें और तांबूल अर्पण करने के पश्चात उनकी प्रदक्षिणा करें, उनके मंगल मंत्रों का ध्यान करते हुए उनकी प्रार्थना करें। फिर उसी स्थान पर बैठकर भगवान के पंचाक्षर मंत्रों का जप करें, साथ ही साथ शिव चालीसा का पाठ करें और ध्यान रहे शिव चालीसा के साथ हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शिव जी शक्ति के बिना अधूरा है। तो ऐसे में भगवान शिव और शक्ति की उपासना करें, हो सके तो भगवान राम की उपासना करें, इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपको मनोहर्षित वर की प्राप्ति कराएंगे। जो आपकी वर होगा, कामना होगा, उस कामना का शीघ्र जो है पूर्ति कराएंगे। इसके पश्चात भगवान शिव की आरती करें और दिन भर भगवान का नाम सुमरण करते हुए व्रत रहें, दिन में फल फलहार ग्रहण करें और उसके पश्चात पुनः गोधली बेला का जो हमने समय आपको बताया कि सायं 6:54 से लेके रात्रि 9:04 का जो शुभ बेला है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग जो है बना हुआ है, तो उस शुभ बेला में भगवान शिव का इसी विधि पूर्वक पूजन अर्चन करें और फिर उनका स्तुति करके उनकी आरती करें और उन्हें सुंदर पकवान का भोजन भोग लगाएं, क्योंकि सायं बेला में आपको मीठा भोजन करके अपने व्रत को पूर्ण करना है। तो जो व्रत के लिए, जो भोजन करने के लिए आपने फलाहार अन्नाहार बनाया है, अन्न जो आहार आपने बनाया है, वह भगवान शिव को भावपूर्वक पहले अर्पण करें और फिर अपने पूजन स्तुति को संपन्न करने के पश्चात उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। इस विधि पूर्वक जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह निश्चय ही भगवान शिव की विशेष अनुकंपा प्राप्त करता है। शिव जी की कृपा जिसपे हो जाती है उसकी नैया जो है बड़े शीघ्र ही पार हो जाती है। हमारे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं, जो व्यक्ति इनका भावपूर्वक भजन करता है, सुमरण करता है, मेरे बाबा उसके जीवन में कभी निराशा, कभी दुख उत्पन्न नहीं होने देते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे भोले बाबा का विशेष रूप से पूजन अर्चन करें और उसमें शुद्धता और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान दें। बाबा आपके जीवन में मंगल और कल्याण का भंडार भर देंगे। जय श्री राम, नमस्कार।